हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज बैसाख के पूरे चांद का बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि तकरीबन 2500 साल पहले आज ही के दिन गौतम बुद्ध पैदा हुए। बैसाख के पूरे चांद के दिन ही उनको हकीकत और मारिफत का इल्म हासिल हुआ और बैसाख के पूरे चांद के दिन ही उनकी दुनियाए फानी से रुखसती हुई। इस तरह हम देखते हैं कि बैसाख के पूरे चांद के दिन का बुद्ध की जिंदगी में किस कदर हैरत अंगेज इत्तफाक रहा। बुद्ध न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत के भी हक में थे। उनके मुताबिक सेहत और बीमारी को माशरती निज़ाम और हर तरह की माहौलियाती सतह के दरमियान बतौर एक रिश्ता समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक इंसान न एक सिर्फ जिस्मानी मखलूक है बल्कि जहनी, जज्बाती, समाजी और रूहानी मखलूक भी है, जिसमें जिस्मानी बीमारी जहनियत और जज्बातियात को मुतासिर करती है। जहनी और समाजी खराबियां जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है और इसी तरह जिस्मानी बीमारी भी जहन और मुआशरे को बिगाड़ सकती है। इसलिए किसी भी फर्द की सेहत के बारे में फिक्रमंद होने के लिए उसके जिस्म, जहन, जज्बात और समाजी माहौल को लेकर भी फिक्रमंद होना चाहिए। बीमारी और सेहत को लेकर ये सोच आज के सख्त हालात में बहुत मुतल्लिक है। आप सभी सेहतमंद रहें, महफूज रहें। बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से गौतम बुद्ध का योम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक। Time.